गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू फिफ्थ चैप्टर ऑफ सिविक्स, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ए ग्लांस एट ए न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू ए ग्लिम्पस ऑफ The range of work done by the courts in this country. अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। But can you think of why we need these courts? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यू हैव रीड इन यूनिट टू, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। व्हाट दिस मीन्स इट दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन एंड दैट ए सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड procedures need to be followed when a law is violated। जैसा कि बच्चों आप इकाई दो में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारे अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। एज एन organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of Indian's democracy. सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। It can play this the role only because it is Dependent, what does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer to these questions. यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? न्यायपालिका की क्या भूमिका है? Courts take decision on a very large number of issues. अदालत बहुत सारे मुकदमों पर फैसले सुनाती है। They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes।
अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, विवादों का निपटारा। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविद मुहैया कराती है। जुडिशियली रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू स्ट्रिक डाउन पार्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर ए वॉयलेशन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड जुडिशरी रिव्यू। यानी न्यायपालिका की समीक्षा में क्या है कि संविधान की व्यवस्था का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है, और इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास सेवेंथ बुक यू रीड अबाउट हाकिम शेख एंड एग्रीकल्चर लेबरर हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ एंड हुज कंडीशन गोट वॉर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था जो खेतियर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 व्हिच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ।
इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इट देयर फॉर डिसाइडेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विथ ए ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इंजरी। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज इनकरेज्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज द पावर टू अपॉइंटेड एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। एल थ्रू वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन by providing for the independence of the judiciary। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। लेकिन
भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। वंस एक्सपेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट इज ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आपने फर्स्ट यानी पहले अध्याय में पढ़ा था। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। व्हाट दिस मीन्स हियर इज द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशियरी। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। फॉर द एबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज आल्सो क्रूशियल दैट ऑल जजेज इन द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विथ वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज टू गवर्नमेंट। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एजस। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नॉट मीजर ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है और इसके आधार पर वे विधायिका और न्यायपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इज दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। थैंक यू।